खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी, स्पीकर साहब, भारतीय रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक की स्पर्धा से बाहर होने पर मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूँ। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज़्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 केजी की कैटेगरी में खेल रही थी। स्पर्धा के लिए विनेश का वजन 50 किलोग्राम होना अनिवार्य था। UWW के नियमों और विनियमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए संबंधित श्रेणी के लिए प्रत्येक सुबह वजन माप का आयोजन किया जाता है। अनुच्छेद 11 के अनुसार यदि कोई एथलीट वजन माप प्रथम अथवा द्वितीय में भाग नहीं लेता है अथवा असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और बिना किसी रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाता है। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गए। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा PT उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। विनेश मंगलवार 6 अगस्त को 3 मुकाबले जीतकर 50 केजी रेसलिंग ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी थी। सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को, क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिवाच और प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन जापान की यूई सुसाकी को 3-2 से मात दी थी। उन्हें बुधवार 7 अगस्त की रात करीब 10 बजे गोल्ड मेडल के अमेरिकी रेसलर सारा एन हिल्डरब्रांड से मुकाबला करना था। जहां तक उनकी तैयारी हेतु सहायता का प्रश्न है, भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। उनके लिए पर्सनल स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनके साथ हंगरी के विख्यात कोच ओलेर अकोस और फिजियो अश्विनी पाटिल हमेशा रहते हैं। इनको ओलंपिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत सहायक स्टाफ जैसे विभिन्न स्पायरिंग पार्टनर्स, स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग विशेषज्ञ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिसका विवरण इस प्रकार है। ओलेर अकोच कोच के रूप में उसके साथ थे। वैन पैट्रिक लॉम्बार्ड स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, अश्विनी जीवन पाटिल फिजियोथेरापिस्ट, मयंक सिंह गरिया स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, शुभम और अरविंद स्पारिंग पार्टनर। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है। स्पेन के ग्रेट पिक्स में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता साथ ही 3 जुलाई से 13 जुलाई 2024 10 दिन तक मैड्रिड स्पेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता। इसके अलावा फ्रांस के बुलोन-सू-मेर में पूर्व ओलंपिक प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त सहायता की है। 2024 अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ सेकंड रैंकिंग सीरीज में 6 जून से 9 जून 2024 4 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में भाग लेने के लिए और 10 जून से 21 जून 2024 तक टाटा ओलंपिक सेंटर हंगरी में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त सहायक स्टाफ के लिए वित्तीय सहायता की है। स्ट्रेंथ और एयर कंडीशन कोच मिस्टर वाइने पैट्रिक लॉम्बार्ड के लिए टाटा ओलंपिक सेंटर हंगरी में 10 जून से 21 जून 2024 11 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए भी वित्तीय सहायता की है। 13 जुलाई 2023 से
16 जुलाई 2023 चार दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में फोर्थ रैंकिंग सीरीज में भाग लेना और 10 से 16 जुलाई 2023 16 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में प्रशिक्षण शिविर हेतु इसको वित्तीय सहायता की है। वेलमेकेन बुल्गेरिया में 10 11 2022 से 3 12 2022 तक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी है। उनके रिहाब प्रक्रिया के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए भी वित्तीय सहायता की गई है। 2020 टोक्यो ओलंपिक चक्र में 1,13,98,224 रुपये का आर्थिक सहयोग उसको किया गया था। 224 पेरिस ओलंपिक चक्र में भी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में 53,35,746 और वार्षिक ट्रेनिंग एवं स्पर्धा कैलेंडर में 17,10,000 कुल मिला के 17,45,775 रुपया हमारे खिलाड़ी को आर्थिक सहायता करके उसको सक्षम करा गया।